राजस्थान में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर जो कवायद है वो चल रही है, चर्चाएं चल रही है कि आगामी 2 या 3 दिन के अंदर राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। लेकिन इससे पहले जो विधायक हैं वो अपने क्षेत्रों में लगातार एक्टिव हैं। बात करें विद्याधर नगर क्षेत्र की, विद्याधर नगर क्षेत्र से विधायक दिया कुमारी और जो डिप्टी सीएम है राजस्थान की, वो लगातार अपने क्षेत्र में एक्टिव हैं। गुरुवार को सुबह वो जो स्वच्छता अभियान था उसमें हिस्सा लेने भी विद्याधर नगर क्षेत्र के अंदर पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि राजस्थान में अब सत्ता पूरी तरीके से बदल चुकी है और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आई है। ऐसे में जो पिछले 5 साल से जो विकास कार्य रुके हुए थे राजस्थान के अंदर, वो अब गति पकड़ना शुरू कर देंगे और लगातार जो स्थानीय विधायक हैं और जो अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग भी कार्यों को लेकर कर रहे हैं। दिया कुमारी ने 2 ऐसे प्रोजेक्ट उनके क्षेत्र में हैं उनको लेकर यहाँ पर चर्चा की। सबसे पहले अगर बात करें तो एलिवेटेड जो झोटवाड़ा में एलिवेटेड रोड का निर्माण है उसको लेकर उन्होंने बयान देते हुए कहा कि जल्द ही एलिवेटेड रोड का निर्माण है वो पूरा हो जाएगा और एलिवेटेड रोड बेहतर बने इसको लेकर वो खुद अपने स्तर पर मॉनिटरिंग कर रही है। दूसरी अगर बात करें तो जो रोड नंबर 14 है सीकर रोड पर, रोड नंबर 14 पर स्थित पुलिया का जो इलाका है वो पिछले 5 या 6 सालों से वहाँ पर स्थिति लगातार बद से बदतर बनती हुई नज़र आ रही है। खासकर बारिश के समय में वहाँ इतना पानी भर जाता था कि कई बार जो गाड़ियाँ हैं वो तक डूब जाया करती थी। आसपास के लोगों को, दुकानदारों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। जब इस मामले की शिकायत दिया कुमारी के पास पहुँची थी तो 2 या 3 दिन पहले वो वहाँ तक पहुँची और ये जो पूरा इलाका है NHAI के अंडर आता है तो NHAI के अधिकारियों को बुलाकर उन्होंने पूरी स्थिति को लेकर उनसे बातचीत की और जो दिशा निर्देश थे वो वहां पर जारी किए गए हैं। लेकिन एक बार फिर दिया कुमारी ने इन प्रोजेक्ट्स को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और सीधे सीधे जो अधिकारी हैं उनको बात कहें तो एक्शन में इस समय दिया कुमारी नजर आ रही है और सीधे खुले तौर पर चेतावनी अधिकारियों को यहाँ पर दे दी है। आइए दिया कुमारी ने क्या कुछ कहा इन प्रोजेक्ट्स को लेकर आपको सुना। शुरू भी होने वाला है, वैसे तो मेरी कल फिर से अधिकारियों से बात हुई थी, NH के अधिकारियों से। उन्होंने कहा था कि आज कल में काम भी शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट वीक फिर से मैं जाके उसका इंस्पेक्शन करूंगी। सिर्फ एक दिन की फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ये एक्चुअल में काम है। जो भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली हमेशा रही हुई है और इस बार भी रहेगी, तो हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। अभी ये वाले अब कल मैं, कल या परसों, आज तो मैं करणपुर जा रही हूँ प्रचार के लिए, और परसों जो ये जो दूसरा पुलिया बन रहा है, JDA बना रही है उस तरफ अपने झोटवाड़ा साइड में, वहाँ भी मैं जाके एक बार देखूंगी कि वहाँ का काम कैसे चल रहा है और उसकी भी जो गति है वो और अच्छी होनी चाहिए और क्वालिटी वर्क होना चाहिए, इस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। जहाँ भी अभी भी काम चल रहा है उस पर भी, और अभी आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे काम जो रुके हुए थे, जो PhD विभाग के काम थे जो रुके हुए थे, वो भी चालू हो चुके हैं। आप देखेंगे कुछ ही समय बाद बहुत जल्दी जल्दी काम होगा, अच्छा काम होगा, क्वालिटी वर्क। तो आपने सुना दिया कुमारी ने इन 2 प्रोजेक्ट्स को लेकर क्या कहा, खासकर जो रोड नंबर 14 पर स्थित जो पुलिया है वहाँ का जो क्षेत्र है उसको लेकर उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि मैं लगातार अधिकारियों से संपर्क में बनी हुई हूँ और आगामी 2 या 3 दिन के अंदर काम शुरू करने की बात अधिकारी कह रहे हैं। हालांकि दिया कुमारी ने ये भी कहा है कि वो एक बार फिर अगले सप्ताह जो स्थिति है उसका जायजा लेने वहाँ पर पहुँचेंगी। लेकिन इससे पहले क्या NHAI के जो अधिकारी हैं वो वहाँ पर काम शुरू करते हैं, या फिर जो ढुलमुल रवैया हमेशा से NHAI का रहा है उस क्षेत्र को लेकर वो बरकरार रहता है, ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए द नगरी न्यूज़ के साथ।